राकेश टिकैत लगातार विवादों में बने हुए हैं। कभी उन पर स्याही फेंक दी जाती है, कभी BKU से निकाल दिए जाते हैं, तो कभी BKU में दो फाड़ हो जाते हैं और इन दो हिस्सों में से एक की कमान राकेश टिकैत संभाल लेते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर राकेश टिकैत के कई बयान वायरल होते रहते हैं, लेकिन ताजा मामले में वो ज्ञान वापी के मसले पर कुछ ऐसा बोल गए हैं जिससे मुस्लिम पक्ष की नाराजगी बढ़ सकती है। दरअसल ज्ञान वापी मसले पर राकेश टिकैत ने मुस्लिम पक्ष को नसीहत दे डाली है। भारतीय किसान यूनियन में हाल ही में दो फाड़ हुआ है और नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठे थे। राकेश टिकैत के सुर अब हिंदुत्व को लेकर नरम होते दिख रहे हैं। राकेश टिकैत ने ज्ञान वापी मसले को लेकर बयान दिया है। टिकैत ने इशारों इशारों में कहा कि जिसका जो माल है उसे वापस कर देना चाहिए। दरअसल मंगलवार को राकेश टिकैत बुलंदशहर पहुंचे थे। यहां पर ज्ञान वापी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। हालांकि इशारे इशारे में जरूर बोल गए कि जिसका जो माल है उसे वापस कर देना चाहिए। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि पहाड़ से कोई पत्थर भी उठा लो, वही शिवलिंग है, ये हमारी आस्था का सवाल है। वहीं राकेश टिकैत लगातार भारतीय किसान यूनियन में अपनी पकड़ को बनाए रखने के प्रयास भी कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने BKU से जुड़े प्रदेश भर के किसानों के बारे में कहा कि जल्द ही ट्रैक्टरों से वो लखनऊ को घेरेंगे और बिजली, महंगाई, गन्ने के भुगतान और दूसरी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। कर्नाटक में हुए हमले पर राकेश टिकैत ने कहा कि ये मेरे साथ साजिश थी, पहले भी उन पर हमले करने की साजिश रची गई थी। जिन लोगों ने हमला किया उनके गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ फोटो हैं। क्यों आए थे, क्या हुआ था? अभी ये तो जिम्मेदारी यहाँ के लोकल पुलिस की है, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिली भगत से ये काम। उन्होंने मांग की है कि कर्नाटक की पुलिस को इस मामले में ईमानदारी से जांच करते हुए अपनी कार्यवाही करनी चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।